योर ऑनर, बिल्कीस इस केस की चश्मदीद गवाह हैं। इनकी गवाही से ईशा और शावेज कसूरवार साबित हुए हैं। मैं बिल्कीस को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूँ। बिल्कीस को विटनेस बॉक्स में बुलाएं। बिल्कीस, आपके कितने बच्चे हैं? जी दो। आपके शोहर क्या काम करते हैं? रिक्शे चलाते हैं। घर आपका किराए का है या आपका अपना? किराए का। माय लॉर्ड, वकील साहिबा गैर जरूरी सवालात करके अदालत का वक्त जाया कर रही है। माय लॉर्ड, मैं जो सवाल कर रही हूँ इनका इस केस से बहुत गहरा ताल्लुक है। ऑब्जेक्शन ओवरऑल। एक रिक्शा चलाने वाले की डेली वेजेस 1500 होती होंगी। दो बच्चे और किराए के घर में रहते हुए बिल्कीस को बच्चों के एजुकेशनल खर्चे और खाने पीने के बारे में सोचना पड़ता होगा। क्यों बिल्कीस? जी महंगाई है, हर कोई सोचता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, हर कोई सोचता है। और खर्चा पूरा ना होने पर छोटी मोटी चोरी, डाका या फिर झूठी गवाही देकर खर्चा पूरा किया जा सकता है ना? ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने बताया ना, मैं मुख्तलिफ घरों में काम करती हूँ, अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। ठीक कहा तुमने। तुमने बताया था कि तुम पिछले 4 साल से ईशा के यहाँ काम कर रही हो, ठीक है? जी। फिर 4 महीने बाद तुम काम पर आई, इसकी कोई वजह थी? जी वो मेरे गांव में शादियां थी और फिर फौतगी भी हो गई थी तो बाजी से छुट्टी ली थी। सही। शावेस को ईशा के घर पहली दफा तुमने कब देखा? यकीनन 4 महीने पहले ही देखा होगा। जी 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 जी